हेडिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज डेफिशिएंट डिमांड. डेफिशिएंट डिमांड आपने उधर से टेबल में पढ़ा था, चैप्टर की शुरुआत में पढ़ाया था, अब उसी को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. देखिएगा डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या है. AD is smaller than AS. AS जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज को डिपिक्ट कर रहा है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज के लेवल में AS जो हो सकता था AD उससे शॉर्टर लेवल पे उससे मीट करेगा. AD falls short to full employment level. इसको हम डायग्राम से समझें तो समझिएगा बेटा, ये है हमारी वाई लाइन AS लाइन. अब हमने एक बात बोली थी पहले ही कि AD decides how AS will behave. जैसा AD behave करेगा AS वहां पहुंच जाएगा. अब समझिएगा, यहां मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जिसको शो किया है ADF, यानी फुल स्ट्रेंथ पे अगर इकोनॉमी चले तो उसमें एडी प्लान चलता है इस लेवल पे, जबकि अगर लोअर स्ट्रेंथ पे या अंडर स्ट्रेंथ पे, अंडर एम्प्लॉयमेंट पे एडी चलता है या एडी प्लान होता है तो वो है ये वाली लाइन. अब एस क्या करेगा, मैं तो इस लाइन से भी मीट करा सकता हूं, इस लाइन से भी मीट करा सकता हूं, मेरी टेंशन मत लो. एस ने तो कह दिया कि एडी जैसा होगा मैं उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर लूंगा, बस शर्त यह है कि मेरे पास रिसोर्सेज होने चाहिए. अगर मेरे पास रिसोर्सेज हैं तो मैं ADF वाली लाइन को भी मीट कर जाऊंगा, मैं ADU वाली लाइन को भी मीट कर जाऊंगा. अब हुआ ये कि लोगों के पास, कंज्यूमर्स के पास मनी नहीं था, इनकम नहीं था, या अगर कुछ डिस्बैलेंसेस थी जिसकी वजह से उन्होंने AD को कमी रखा, तो जो हमारा AS इस फुल स्ट्रेंथ पे आके E से मीट कर सकता था और फुलर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हमें दे सकता था, E जो है वो है बेटा फुलर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, वो हमें मिल सकता था. लेकिन क्योंकि एडी प्लान ही कितने लेवल पे हुआ है, लोअर लेवल पे हुआ है. आप खुद देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स के भी स्टूडेंट रहे, मैथ्स के भी स्टूडेंट हैं, कि जब ग्राफ लाइन एडी यहां पर चल रही है तो फुल स्ट्रेंथ इक्विलिब्रियम यहां पर आ सकता था ई पॉइंट पे, और टोटल आउटपुट हो सकता था फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट हो सकता था, जिसको हम कह सकते हैं ओ क्यू का. लेकिन क्योंकि एडी कम प्लान हुई है, एडी कम प्लान हुई है, किसी लोअर लेवल पे एडी प्लान हुई है, तो ई हमारे केस में पहले बोल दिया था कि जब मैं फुल स्ट्रेंथ पे यहां मीट कर सकता हूं तो लोअर स्ट्रेंथ पे यहां को मीट कर ही जाऊंगा. तो ई वन जो आ रहा है बेटा वो आपका है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ई वन जो आ रहा है आपको इक्विलिब्रियम अचीव तो हो जाएगा, लेकिन वो कौन सा होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हुआ. और इस जगह आपका प्रोडक्शन जो होगा बेटा वो होगा OQ1, जो कि OQ से काफी कम लेवल पे है. ओके, मतलब इक्विलिब्रियम तो आ जाएगा, देयर इज नो डाउट, आप डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन में नहीं पहुंचोगे. बट होगा क्या, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो आपको अचीव हुआ है उसकी वजह से आपके रिसोर्सेज जो है वो रह जाएंगे अनयूटिलाइज्ड, रिसोर्सेज रिमेन अनयूटिलाइज्ड एंड later on will bring unemployment in the so called economy. तो हमने क्या बोला, AS से हमने पूछा कि आप कहां तक क्या प्रोडक्शन कर सकते हो, तो AS ने पहले बोल दिया कि भाई मेरे पास रिसोर्सेज होंगे तो फुलर रिसोर्सेज का यूज करके मैं चाहूं तो E में भी मीट करा सकता हूं, ADF की भी डिमांड को पूरा कर सकता हूं और ADU की भी डिमांड को पूरा कर सकता हूं. अब AD ने कहा कि भाई हम तो लोअर लेवल पे ही प्लान करेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट पे ही प्लान करेंगे. ADP का मतलब है प्लान AD, ADU का मतलब है अंडर एम्प्लॉयमेंट AD. दोनों तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं, प्लान AD पर बोलो या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट AD बोलो, दोनों चल सकते हैं. अगर ADP वर्ड यूज करते हो तो प्लान AD वर्ड बोलना पड़ेगा, और अगर ADU लिखते हो तो अंडर एम्प्लॉयमेंट AD लिखना पड़ेगा. ADF क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट AD है. फुल एम्प्लॉयमेंट AD का मतलब है इकोनॉमी फुल स्ट्रेंथ पे प्लानिंग कर रही है. अब देखिएगा AS ने तो कहा कि मैं इसको भी मीट कर लूंगा, इसको भी मीट कर लूंगा. अगर ही हमारा AS फुल स्ट्रेंथ AD को मीट करता तो फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट आता अपने पास OQ का और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता बेटा, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. लेकिन क्योंकि AD ही कम लेवल पे प्लान हुआ है तो हमें इक्विलिब्रियम मिल तो जाएगा, लेकिन वो मिलेगा बेटा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जो शुरुआत में मैंने आपको चैप्टर में समझाया था. और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होने का मतलब है कि हमारे कुछ रिसोर्सेज अनयूटिलाइज्ड रह गए और हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बनी रह गई. अब ये जो वर्टिकल गैप आ रहा है ADF और ADP के बीच में,
डेफिशिएंट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो डेफिशिएंट डिमांड का फॉर्मूला होता है बेटा, चाहो तो आप बोल सकते हो एडीपी माइनस एडीयू, एडीपी माइनस एडीयू सॉरी एडीएफ माइनस एडीयू, या फिर आप बोल सकते हो एडीएफ माइनस एडीपी जो कि लोअर लेवल पे प्लान आउट हुआ है। हमेशा ध्यान रखिएगा डेफिशिएंट डिमांड के केस में ADF जो होगा वो ADP से बड़ा होगा, या इसको हम यू बोले। अगर आपने P वर्ड यूज ना किया हो, आपने यू वर्ड यूज किया है, तो ADF is always greater than ADP। मतलब कुल मिला के ये ADP जो है ना उसको हम कई बार कुछ बुक्स में यू के रेफरेंस में पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो प्लान AD है वो फुल एम्प्लॉयमेंट AD से काफी कम लेवल पे प्लान हुआ है, और इसी वजह से AS जो यहां पर इसको क्लिक कर सकता था, मीट कर सकता था, वहां मीट ना करके इसको यहां मीट करेगा। एक बार और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि AD और AS में AD डिसाइड करेगा कि इक्विलिब्रियम कहां मैच होगा, AS डिसाइड नहीं करता है। तो डेफिशिएंट डिमांड का केस कब बनता है बेटा? जब ADF इज ग्रेटर देन ADP। इसको हम चाहे तो ADF माइनस ADU से भी पढ़ सकते हैं, या फिर ADF माइनस ADP करके भी पढ़ सकते हैं। अब ऐसा क्या रीजन है कि जिसकी वजह से डेफिशिएंट डिमांड के केसेस बनते हैं? तो इसको एक छोटे से चार्ट से समझ लेना बेटा। AD का फुल स्ट्रेंथ फॉर्मूला अगर हम पढ़े सभी इकोनॉमी में, वैसे तो मैंने यहाँ पर टू इकोनॉमी टू सेक्टर इकोनॉमी भी आपको AD पढ़ाया है, बट अगर हम फुल फोर सेक्टर तक भी पहुंच जाएं तो AD का फुल फॉर्मूला होता है C plus G plus I plus X minus M। अब AD गिरा हुआ है, AD गिरा हुआ है तो उस समय C फॉल किया हुआ हो सकता है, G फॉल किया हो सकता है, I के फॉल होने से AD फॉल होगा, एक्सपोर्ट के फॉल होने से एडी फॉल होगा, और इंपोर्ट के राइज करने से एडी फॉल हो सकता है। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं भाई, सी फॉल कर रहा है इसकी वजह से एडी फॉल करेगा। अब सी के फॉल होने का रीजन क्या हो सकता है? तो सी के फॉल होने का रीजन ये है कि लोग एपीसी और एमपीसी तो घटाना चाह रहे हैं, यानी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम घटाना चाह रहे हैं, और APS और MPS को बढ़ाना चाह रहे हैं। यानी बोलो सिंपल लैंग्वेज में तो पीपल आर इंटरेस्टेड इन सेविंग, पीपल आर इंटरेस्टेड इन सेविंग देयर इनकम, नॉट इन कंज्यूमिंग द इनकम, नॉट इन स्पेंडिंग इट ऑन कंजम्पशन, not on spending it on consumption। तो C fall होने से AD fall होता है। देखिए अगर market में deficient demand का केस चल रहा है, AD गिरा हुआ है, तो सारे जरूरी नहीं है कि सारे points एक साथ active होंगे, कोई भी एक point भी अगर इसमें से active होगा तो भी वो AD को गिराने के लिए काफी होगा। तो C के fall होने से AD fall होता है। C के fall होने के पीछे reason क्या है? लोग APC और MPC को कम रख रहे हैं और APS और MPS को बढ़ा कर रख रहे हैं। इसका मतलब लोग कंजम्पशन में नहीं करना चाहते, लोग क्या करना चाहते हैं? सेविंग्स करना चाहते हैं, और इसी वजह से पैसा मार्केट में कंजम्पशन पे खर्च नहीं हो रहा है। इसको हम बेटा चाहे तो टैक्स रेट से भी जोड़ सकते हैं। एक मैंने सेकेंडरी यहाँ पर पॉइंट रखा है टैक्स रेट। तो टैक्स रेट के इंक्रीज होने से एडी फॉल होता है। कैसे? मान लीजिए आपके टैक्स रेट इंक्रीज होने से एडी कैसे फॉल होगा बता देता हूँ। मान लीजिए आपकी इनकम है 100 बेटा, आप 10% टैक्स देते हो तो आपका 10 रुपीज टैक्स में चला गया और 90 रुपीज आपकी जेब में बचता है। फिर मान लीजिए आप अगर 20% टैक्स देने लगे तो मार्केट में या टैक्स चला जाएगा 20 और बचेगा जेब में 80। अब जब आपकी ग्रॉस इनकम जो लास्ट आपके हाथ में आ रही है वही कम हो रही है, तो एपीसी एमपीसी के कोई भी कॉम्बिनेशन उठा के देख लो, आपका जो कंजम्पशन में फिगर जाएगा वो कम होगा और सेविंग्स का फिगर ऑब्वियसली दोनों ही कम हो जाएंगे, बट ओवरऑल कंजम्पशन का फिगर कम होगा। यानी टैक्स रेट ज्यादा बढ़ने से एडी फॉल हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। दूसरा मेजर पॉइंट है एडी के फॉल होने के पीछे इज आई का फॉल होना या जी का फॉल होना। मैं पहले आई के ऊपर बात कर लेता हूँ फिर जी में जाता हूँ। आई का फॉल होना, आई फॉल होने का मतलब है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फॉल कर रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फॉल कर रहा है। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फॉल कब करता है? जब मार्केट
बुलिश एक्सपेक्टेशन शो कर रहा है। बुलिश एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि जब मार्केट गिर रहा है, मार्केट से पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, मार्केट में इंडस्ट्रीज क्रैश कर रही है। अब जैसे अभी मैं आपको बताऊं, मार्च से लेके अभी नवंबर तक अभी भी जैसे पूरी हमारी इकोनॉमी फुल स्ट्रेंथ में नहीं है, तो आपने देखा होगा नए बिजनेस हाउसेस नहीं आ रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक मार्केट पूरा रिकवर नहीं हुआ है। तो बुलिश एक्सपेक्टेशन ये, अब जैसे फिर से खबर आने लग जाए कि बेटा फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, पूरा का पूरा देश फिर से लॉकडाउन जाने वाला है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट अपने आप ही अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक लेंगे। इसको बोलते हैं तो इंडस्ट्रीज अपने आप अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देगी, उन्हें पता है कि लॉकडाउन होगा तो फिर से डिमांड कम होगी, तो ऐसे टाइम पे फिर वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होंगे। तो आई का फॉल करना भी एडी को फॉल कराने के लिए काफी होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम देखेंगे एडी के फॉल होने के पीछे, तो वो है जी का फॉल होना। जी इज व्हाट? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर किसी वजह से गवर्नमेंट अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स को कम कर देती है, तो उसकी वजह से एडी फॉल करता है। अब देखिएगा इसके पीछे रीजन क्या होता है, मे बी लैक ऑफ बजट, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी या अदर कोई पॉइंट जिसकी वजह से गवर्नमेंट या तो अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर को या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर दे, तो उसकी वजह से आपके एडी फॉल कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट सब्सिडी देना बंद कर दे, गवर्नमेंट मेडिकल जो हमारे हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करती है वो देना बंद कर दे, या गवर्नमेंट जैसे हम कहें कि जो सरकारी स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है वो बंद कर दे, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होता है, जी वाला फिगर कम हो जाएगा, और जी फिगर कम हो रहा है इसका मतलब एडी फॉल कर जाएगा। नेक्स्ट है इसमें दो टॉपिक्स, एक है एक्सपोर्ट, एक्स बोले तो एक्सपोर्ट और एम बोले तो बेटा इम्पोर्ट। अब इम्पोर्ट जो होता है बेटा वो हमेशा नेगेटिव फिगर होता है, तो ध्यान रखिएगा एडी जब फॉल कर रहा है तो उस समय एक्सपोर्ट फॉल करते हुए होंगे, और एक्सपोर्ट की तरफ से हम अगर पढ़े तो एडी फॉल करते समय एक्सपोर्ट फॉल करते हुए होंगे और इम्पोर्ट राइज करते हुए होंगे। तो जब आपके इंपोर्ट्स राइज कर रहे हैं तो उसकी वजह से एडी फॉल कर जाता है, और एक्सपोर्ट फॉल कर रहे हैं तो एडी राइज कर जाता है। एक्सपोर्ट के फॉल होने के पीछे है कि प्रोडक्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव इन इंटरनेशनल मार्केट, इसके पीछे रीजन ये हो सकता है, और इंपोर्ट के राइज होने के पीछे रीजन ये हो सकता है कि फॉरेन प्रोडक्ट्स आर चीपर देन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। तो इन दोनों वजहों से भी आपके एक्स और एम फॉलो आउट कर, एक्स फॉल करता है, एम राइज करता है, और अल्टीमेटली जाके एडी फॉल करता है।